तो विचार चल रहा था कि भाई अन्नी में अन्नी का जो प्रतिभान होना है, मिथ्या प्रतीति है, वह सर्वानुभव सिद्ध है, जैसे कि शुक्ति आदियों में रजतादि का भाषित होना होता है। परंतु अभिन्न वस्तु में भेद ब्रह्म तो अनुभव विरुद्ध है, ये विचार हो सकता है ना, क्योंकि जीवात्मा तो परमात्मा यदि अभिन्न वस्तु है, इनमें जो भेद ब्रह्म की अभि कहते हो ये कैसे हुआ। भिन्न वस्तुओं का तो ब्रह्म हो सकता है, जैसे शुक्ति और रजता दृष्टान देते हमेशा, रज्जु सर्वा दृष्टान देते, सब तो भिन्न वस्तु है। अभिन्न वस्तुओं में भी भेद ब्रह्म हो, इसमें क्या प्रमाण? ऐसे कोई दृष्टांत भी आपके पास नहीं जो अभिन्न वस्तुओं में भी भेद ब्रह्म होता हो। चिदात्मा वेदांतमत विश्लेषित चिदाभास से अभिन्न जो जीवों का आप जो कथन करते हैं, ब्रह्म से अभिन्न जीव हैं, फिर वहां जीव और ब्रह्म का भेद की भ्रांति कैसे हुई? उसने दृष्टांत दिए थे एक ही चंद्रमा है, चंद्रमा तो दो नहीं है, लेकिन उसमें भेद भ्रांति हुई कि नहीं हुई? द्वित्व का भान हो गया, इसे एक में द्वितीय ब्रह्म में भी द्वित्व का भान, जीव ब्रह्म भिन्न दत्ता का भान होना कोई आश्चर्य नहीं है। जैसे अंगुली आदि अवधान के कारण नेत्र से जैसे एक चंद्रमा भी दो चंद्रमा के रूप में दिखाई देता है, तद्वत यहां पर भी वास्तव में भेद नहीं है लेकिन भ्रांति के कारण से भेद दिखाई देता है। इसी को आचार्य ने कहा है कि भेद जनक अज्ञाने नाशम आत्यंतिक अंगते आत्मनो ब्रह्मणो भेदम असंतम कह करिष्यति, कि विभेद का जनक है अज्ञान, विभेद जनके अज्ञानी नाशम आत्यंतिक अंगते, आत्यंतिक नाश को प्राप्त कर गया है तो उसके बाद आत्मनो ब्रह्मणो असंतम भेदम कह करिष्यति, आत्मा और ब्रह्म के जो वास्तव में भेद ही नहीं है उसे कौन कर सकता है, और जब कोई दोबारा उसको भिन्न भेद रूप में ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए भिन्न वस्तुओं में जो अध्यास होता है वहां पर आपने देखा स्वरूपाध्यास है, अथवा धर्मी अध्यास भी कहते हैं, और धर्माध्यास होता है, और प्रकारांतर से आपने देखा अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास भी होता है। लेकिन इस चीज को जो है ना, इसको कहते हैं हम, ये जो है अभेद में भी भेद भ्रांति जो हुआ है, भेद में अन्य का अन्य में होना अलग चीज है, जब जीव और ब्रह्म तो अन्य ही नहीं है फिर भी भेद भ्रांति जो हुआ है, इसको हम कहते हैं संभावना अध्यास। उसी को लेकर के पूर्व पक्ष यहां से बातें उठता है, जो तीन प्रश्न जो डाल रहा है यहां, पुरोवस्थित में ही विषयों में विषांतर का भान होता है, या ब्रह्म प्रवेशित होता उसे जीव की भ्रांति होती तो बात थी, और जीव ब्रह्म से भिन्न होता तो हो सकता है, या जब है नहीं तो कैसे हुआ, और ईश्वर प्रत्यय से रहित होकर प्रत्येक आत्मा वो अविषय है ये कैसे आप कह सकते हो, ये भी उसका प्रश्न था। और जब प्रत्येक आत्मा विषय ही नहीं है उसमें अन्य विषयों का तो धर्मों का भी अभ्यास कैसे हो सकता है, ये तीन प्रश्न था ना, उसका जवाब देते नहीं हो सकता, ये शंका गलत है। न तावदे एकांतिन अविषय, हम आत्मा को एकांत अविषय नहीं कह रहे हैं, ये आत्मा विषय है इन किन किन रूपेण समझना है, और किसका विषय बन रहा है, इंद्रियों का विषय बनता है क्या, मन का विषय बनता है क्या, इसलिए कहते हैं अयम एकांत न अविषय थी न, क्या है वो अस्मत् प्रत्येक विषय है, अहम ब्रह्मास्मि जो अहम शब्द वाच्यत्व ना, आप पहले किसको लेते हैं, आत्मा को विषय कर रहे हैं, अहम इत्याकारक ज्ञान अस्मत् मने अस्मत् शब्द जो सर उत्पन्न होने वाला अहम इत्याकारक जो ज्ञान है उस ज्ञान का विषयत्व ना हम आत्मा को ग्रहण कर सकते हैं। फिर तो कहेंगे ज्ञान का विषय है फिर तो घटादि के समन भी जड़ है, इस घट ज्ञान का विषय जैसे घट होता है अहम इत्यागर ज्ञान का विषय आत्मा हो गया फिर तो भी जड़ हो जाएगा, कहते नहीं अप्रोक्ष प्रत्यगात्म प्रसिद्ध है, वह साक्षात अप्रोक्ष है,
घटाधिष्ठान सेन्द्रिय या वृत्ति सापेक्ष अपरोक्षता नहीं है, वह अव्यवहित अपरोक्षता है, साक्षात अपरोक्ष है। अतएव जो उसके लिए इंद्रिय सापेक्ष या अन्य ज्ञान के समान विषय जैसा घट होता है वैसे यहां पर नहीं है। और इसी के द्वारा वो भी बातें सब खंडन अपने आप हो जाएंगे, जो पूर्वावस्थित में ही होता है, विषयांतर का ही होता है, ये सब जो व्यवस्था भी नहीं बन सकती। न चायम अस्ति नियम पूर्वावस्थित एव, यह है ये जो नियम आप बार बार कहते रहे पूर्व पक्षी ने, वो भी नियम नहीं हो सकता कि पूर्वस्थित एव विषय विषयांतर मध्यस्थित अवयमिति, पूर्वस्थित विषय में ही विषयांतर का अध्यास होना चाहिए, ये आपका कहना भी उचित नहीं है, ये नियम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अप्रत्यक्ष ही आकाश है, अप्रत्यक्ष भी ही आकाश है, क्योंकि यस्माद ही मने यस्माद अप्रत्यक्ष आकाश अपि, अप्रत्यक्ष भूत आकाश में भी बाला तल मलिनता आदि अध्यवस्यंती, बाल जो अविवेकी लोग तल मलिनता आदि का अध्यास कर देते हैं, जो कि आप किसी भी इंद्रिय का प्रत्यक्ष का विषय नहीं मानते हैं, कि श्रुति से अनुमान से शब्द श्रवण जो हो रहा है उसका अधिष्ठान अधिकरणत्वेन एक द्रव्य मानना पड़ता है, और अतएव आप आकाश को मानते हैं, और हम लोग श्रुति के आधार पर आकाश उत्पत्ति कहा गया है, अतएव आकाश को मान लेते हैं, चाहे अनुमान से मान लो चाहे आगम से मान लीजिए, मानते तो सभी ही आकाश को भले ही उसका प्रत्यक्ष नहीं होता हो। अतः यहां पर एक भी युक्ति दिया, यदि आत्मा का प्रत्यक्ष न भी होता हो किसी को मान लो, यदि भी आत्मा का प्रत्यक्ष मानते हैं, असल प्रत्यक्ष विषय मान लिया हमने उसको, और साक्षात अप्रोक्षित नहीं अंतर भी कर दिया है, लेकिन जो व्यक्ति का आत्मा प्रत्यक्ष विषय नहीं होता किसी प्रकार से, तो भी उसमें भ्रम होने में कोई आपत्ति नहीं, यथा आकाश का प्रत्यक्ष न होने पर भी उसमें अध्यास हो जाता है तलमलिन आदि का, उसी अज्ञान काल में अप्रत्यक्ष आत्मा जो अपरोवस्थित है साक्षात अव्यवहित है उसमें भी भ्रांति हो सकती है। एवं अविरुद्ध प्रत्यगात्मनी अपि अनात्म अध्यास, इसलिए प्रत्यगात्मा में अनात्मा का जो अध्यास जो हो रहा है ना वह किसी भी प्रकार से विरुद्ध नहीं है, दोष रहित है वो। तब यहां विषय उसकी आशंका होती है, अन्य अध्यासों को छोड़कर आप इसी स्वरूप में होने वाला अध्यास आत्मा में अनात्मा का अध्यास पर क्यों जोर दे रहे हैं? अनात्मा में आत्मा का अध्यास का चिंतन क्यों नहीं? और भी अनेकों प्रकार का अध्यास होता है, वर्णाध्यास है, आश्रमाध्यास बताएंगे, वही अध्यास है, अवस्थाध्यास है, अनेकों अध्यास होते हैं, तत्त्व अध्यासों का चिंतन आप नहीं कर रहे, विचार ही नहीं करते, इसी पर जोड़ देते बार बार प्रत्येगात्मा में अनात्मा का अध्यास क्यों? ये जब प्रश्न पूछा उसके जवाब दे रहे, तम एतम एवं लक्षण अध्यास पंडिता अविद्या इति मन्यन्ते, तद विवेक वस्तु स्वरूप अवधारण विद्या आहु। कहते हैं प्रत्यय ब्रह्म के ज्ञान से निवृत्त होने वाली तथा संसार की मूलभूत अविद्या को छोड़कर अध्यास के निरूपण का प्रयोजन और कुछ भी नहीं दिखाई देता है, कि अध्यास के निरूपण का मुख्य प्रयोजन ही है मोक्ष की सिद्धि, और वह मोक्ष कैसे होगा? अविद्या की निवृत्ति से, और अविद्या जो है इस अध्यास का मूलभूत कारण है। इसलिए तम एतम एवं लक्षणम अध्यासम, वह यह जो पूर्वक एतादृश लक्षण वाला जो अध्यास परत्रावभास अध्यास, ये जो लक्षण वाला अध्यास था उसी को पंडित लोग क्या मानते हैं? अविद्या इति मन्यन्ते। तद विवेकेन च, और उसी का विवेक होने से क्या होता है? मैंने अधिष्ठान का विवेक होने से, तत्स्य तात्पर्य अधिष्ठान का विवेक होने पर क्या होता है? वस्तु स्वरूप अवधारणम, वस्तु स्वरूप का अवधारण हो जाता है, और विद्या माहो तारस अवधारण को ही विद्या करके लोग कह देते हैं, वस्तु का जो यथार्थ स्वरूप है उसका अवधारण हो गया, निश्चय हो जाता है, तो उसको लोग विद्वान लोग क्या कहते हैं? विद्या नाम से कहते हैं। यद्यपि अविद्या ही सर्वनर्थ का बीज रूप है, यह स्मृति स्मृति इतिहास पुराण अनुभव आदि से सुप्रसिद्ध है, और इसकी निवृत्ति के लिए संपूर्ण वेदांत शास्त्र प्रवृत्त ही अभी हम मान लेते हैं, ब्रह्म विद्या की प्रवृत्ति अविद्या की निवृत्ति के लिए है, तो भी उसे छोड़कर कार्यात्मक जो अध्यास
का वर्णन करने का प्रयोजन यह है कि कारणात्मक जो विद्या से शक्ति का तथा प्रलय में स्वरूप से जो आप विद्यमान होने पर भी, यदि स्वरूप से विद्यमान होते हैं सुषुप्ति में भी, प्रलय में भी आप विद्यमान है, लेकिन फिर भी कुछ भी भान नहीं, तो उस समय अध्यास रहता है कि नहीं रहता है? उस समय तो कोई अध्यास नहीं, कि प्रत्येक आत्मा में अनात्मा का अध्यास सुषुप्ति में है क्या? नहीं है। इसलिए हमें कार्यात्मक अध्यास का चिंतन करने मात्र से ही मोक्ष सिद्धांत की स्थापना नहीं हो सकती है। अतः इसका कारण भूता अविद्या को मानना पड़ता, जो कि सुषुप्ति में भी है प्रलय में। इसलिए भाष्यकर अविद्या को लिया है, कार्य रूप अध्यास का वर्णन करते हुए सीधे अंत में कहे वह ये जो अध्यास है उसको पंडित लोग अविद्या कहते हैं। उसी को नहीं कहते, वो तो कार्य है, वो अध्यास तो अविद्या कारण है, लेकिन कारण और कार्य को अभेद करता हुआ अध्यास को ही अविद्या करके कह देते, और ज्ञान को ही विद्या करके कह देते। इस प्रकार से भाष्यकर इसलिए ला रहे हैं क्योंकि सुषुप्ति में अध्यास नहीं है। शंका हो सकता है फिर इतना करने की जरूरत क्या, यदि अध्यास को नाश करने के लिए ब्रह्म विद्या है, अध्यास तो अपने आप नष्ट हो गया सुषुप्ति में। तब कहते नहीं, इसी अध्यास को अविद्या कहते हैं और वही अविद्या को सुषुप्ति में ग्रस्त है। अतएव कार्य से हम कारण की अभेद करता हुआ विद्वान लोगों ने अध्यास को अविद्या शब्द से कह दिया, यह भी कहना आवश्यक हुआ। अब कहते लेकिन ये अध्यास जो है ना, जिसलिए अविद्या अनादिकाल से, कब से है किसको मालूम नहीं। इसलिए छह पदार्थों को अनादि मान लिया वेदांत सिद्धांत में प्रक्रिया काल में, प्रक्रिया के लिए समझाने के लिए छह चीजों का अनादि मानना पड़ता है। उनमें से अविद्या को भी आपने ले लिया है, तो जब अविद्या अनादि है, इतने वर्षों से रह रहा है, तो जरूर उस वो अविद्या ने आत्मा के ऊपर कुछ न कुछ गड़बड़ कर ही दिया होगा, ऐसा कि आत्मा तो शुद्ध हो नहीं सकता, कुछ भी कर लो आप। जैसे नदी बहती रहती है बहती रहती है, तो क्या होता है, पत्थर पर काई पड़ जाती है, और ऐसे है कि वो कई जगह तो आप साफ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो क्यों ऐसा है, क्योंकि बहुत समय से चल रहा है ना, वो चलते 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 वो बिगाड़ी दिया है उसको। इधर से आप कहते हैं बूंद पानी पड़ते 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 पत्थर भी छेद हो जाता है, तो अविद्या इतनी अनादि काल से चली आई हुई है और काम कर रही है अपना इस आत्मा के ऊपर, तो निश्चित रूप में आत्मा में भी उसने छेद जरूर कर दिया होगा, कुछ ना कुछ खरी दिया होगा। तो भाष्यकार के महावाक्य आरंभ होता है जवाब दे रहे कि नहीं, अविद्या के द्वारा आरोपित कोई भी धर्म हो, चाहे अरबों खरबों वर्षों से भी होता हो, अनेक कल्पों से भी क्यों ना हो, लेकिन उस आत्मा का उस अविद्या या अध्यास कृत गुण और दोष से लेश मात्र भी संबंध नहीं होता। तत्र एवं सति यत्र यद अध्यास तत्कृण दोषण गुणे नवा अणु मात्र न संबंधित। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। यत्र यद अध्यास, जिस अधिष्ठान में जिस वस्तु का आप अध्यास कर लेते हैं, तत्कृण दोषण गुणे नवा, उस अध्यस्त वस्तुगत दोष या अध्यस्त वस्तुगत गुणों के द्वारा अणु मात्र भी उस अधिष्ठान के साथ संबंध नहीं होता, लेश मात्र भी संबंध नहीं हो सकता है। चाहे लाखों साल से रज्जु में सर्प हो, लेकिन सर्प का गुण दोषों से रज्जु भी गुणवान या दोष दूषित नहीं होता। जब अनंत काल से आप आकाश में रूप को देखते आए हुए हैं, पता नहीं कब से, जब से आकाश और जब से आप पैदा हुए तब से ही हर व्यक्ति इस आकाश में रूप को देख रहा है, नील रूप को। इस आकाश तल मलिनता को ग्रहण कर लेता है,
आकाश को कटाहत ग्रहण कर रहा है, लेकिन क्या वास्तव में आकाश में उस कटाहगत या रूपगत गुण दोषों से वह आकाश दूषित हुआ? कभी नहीं। सूर्य पर अनंत वर्षों से बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं उसके सामने, और लगता है सूर्य को घेर रहे हैं। यह भ्रांति सबको होता है, आज सूर्य का उदय ही नहीं हुआ। अनादिकाल से इस तादृश भ्रांति होती आ रही है कि सूर्य का उदय कई दिन होते ही नहीं है। कई ऐसा भी देश है जहां सूर्य एक ही दिन दिखाई देता है वर्ष में। पूरे साल में 365 दिन अंग्रेजों के हिसाब से, उनमें से केवल एक दिन सूर्य दिखाई, 364 दिन नहीं दिखता है। उस देश वाले मानते होंगे सूर्य तो संसार में साल में एक दिन उगता है। क्या उस देश में अन्य दिन उग नहीं रहे हैं सूर्य? नहीं उगते हैं, लेकिन वहां के वातावरण ही ऐसा है कि दर्शन नहीं होता। सदा बादल, सदा बर्फ, सदा ऐसा स्वरूप है, दिखता कुछ नहीं। भले अनादि काल से चले आया हुआ यही भ्रांति वहां के लोग समझते हैं, और जो भूगोल को पढ़ने वाले लोग यही पढ़ करके रट करके रखे हुए हैं कि वहां साल में एक ही दिन सूर्योदय होता है। और उपनिषदों को पढ़ने वाले लोग ऐसा भी जगह पढ़ चुके, इलावृत नाम का एक देश है जहां सदा ही दिन होता है, कभी रात होता ही नहीं, अर्थात अस्त ही नहीं होता, अतः उदय का प्रश्न ही नहीं, नित्य प्रकाश है। ये सब क्या है? भ्रांतियां है। वास्तव में जो है चलायमान वस्तु का उदय और अस्तता सोपाधिक रूपेण होता ही है, भले ही किसी अन्य उपाधि के द्वारा वह ग्रस्त होने के नाते हमारे अनुभूति का विषय हो या न हो। लेकिन तादृश अध्यस्त वस्तुगत गुण या दोष से वह अधिष्ठान लेश मात्र संबंध नहीं रखता, और यदि संबंध हो जाता ना तो मुसीबत था। इस सर्प का दोष विष रस्सी में आ जाता तो रस्सी का चुभने से व्याधि मर जाएगा। इसीलिए सर्वानुभव सिद्ध मानना ही पड़ेगा। जिसमें जिस चीज का अध्यास है वह अध्यस्त पदार्थ भले अनंत अनादि काल से विद्यमान हो, तो भी उस अध्यस्त पदार्थ के गुण दोषों से वह अधिष्ठान का कोई संबंध नहीं होता। अतः अधिष्ठान की विशुद्धता में किसी भी प्रकार के हान नहीं हो सकता है। इसलिए कहते तत्रैवंशति, जब यह निर्णय हो गया आत्मा में अनात्मा की प्रतीति होती है और उस प्रतीति का नाम अध्यास है, उसके कारण अविद्या है और विद्या से उसका नाश होता है। नेतार्थ निर्णय मानने का प्रयोजन यही है कि अध्यस्त संसार का उस आत्मा से कोई संबंध। इस निश्चय पर जो आए हैं आप, उस निश्चय का प्रयोजन दिखा रहे तत्र एवं स्थिति। अध्यास को लेकर एतार्थ निश्चय हो जाने पर यह हमारा निर्णय होता है, जहां पर जिसका अध्यास हो रखा है तत्कृतेन दोषेन गुणेन वा, उस अध्यस्त पदार्थ कृत दोष गुण के द्वारा अणुमात्रेणापि स अधिष्ठानो न संबद्धते, वह अधिष्ठान का संबंध नहीं होता है। तम एतम अविद्या आख्यम आत्मना आत्मा अनात्मन और इतरेतर अध्यासम पुरस्कृत्य सर्वं प्रमाण प्रमेय व्यवहार अलौकिक वैदिकाश्च प्रवृत्तः सर्वाणि शास्त्राणि विधि प्रतिषेध मोक्ष परां। यहां करके सब के सब दर्शन वाले अन्य लोग जितने भी हैं घबरा जाते हैं। इस पंक्ति को पढ़ने के बाद कोई मानने को तैयार नहीं होता, तो ये कैसे हो सकता है? वेद भी मिथ्या हो गया, मोक्ष शास्त्र भी मिथ्या कर दिया आपने, है सब अविद्या ही। तम वेतम अविद्याख्यम, वह यह जो अविद्या नाम की चिड़िया कैसी है, वो आत्मनात्म इतरेतर अध्यास रूपम, आत्म और अनात्मा का परस्पर अध्यास कर देने वाली अविद्या है। उसी को कारण से पुरस्कृत्य, उसी की वजह से सर्वम प्रमाण प्रमेय व्यवहार, सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहार लौकिका वैदिकाश्च प्रवृत्ता,
सकल जो प्रमाण प्रमेय व्यवहार है आपका, प्रमात्र भी लेना, प्रमात्र प्रमाण प्रमेय व्यवहार चाहे अलौकिक हो चाहे वैदिक हो, सारे प्रवृत्त हो। सर्वाणिज शास्त्राणी, सभी शास्त्र केवल कर्म संबंधी विधि निषेध ही नहीं, विधि प्रतिषेध मोक्ष प्राणी, मोक्ष पर शास्त्र भी अविद्यावान पुरुष के लिए होता है। अर्थ समस्त वेद वेदांत ब्रह्मसूत्र वगैरह ए टू जेड अविद्या काल में ही है। ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात संसार ही नहीं है तो शास्त्र कहां से होगा? अब सर तुरंत खड़ा होगा पूर्व पक्षी का, तो ये नहीं हो सकता, हम नहीं मानेंगे, ये कैसा होगा भाई है? शास्त्रों को भी आपने जो अविद्या को कोटी में डाल दिया, और अविद्या का कार्यभूत है शास्त्र, विद्या को पैदा कर देगा। अविद्या का कार्यभूत है शास्त्र, विद्यारूप होकर के मोक्ष प्रदान कर दे रहा है, ये कैसा होगा? इसलिए पूर्व पक्ष कहता है कथम पुनर् विद्यावद विषयानि प्रत्यक्षं प्रमाणानि शास्त्रानि चेति, ये कैसा हो आप कह रहे हो, किस प्रकार आपने कह दिया है कि अविद्यावान का अविद्यावत मैंने अविद्यावान पुरुष के प्रति ही विषय होता है प्रत्यक्ष आदि प्रमाणानि शास्त्रानि च, प्रत्यक्ष प्रमाण और समस्त शास्त्र तक भी। अविद्या वाला प्रमाता प्रत्यक्ष आदि प्रमाण और शास्त्र का आश्रय कैसे हो सकता है? अविद्यावान जो प्रमाता है, ये प्रमाता का ही विषय है ये सारा का सारा प्रत्यक्ष आदि प्रमाण और समस्त शास्त्र भी, यह कैसे हो सकता है? इति चेत उच्यते, क्योंकि इसमें एक जन नीतिकारों का भी है, आरोपितम नाश्रय दूषकम भवेत कदापि मूढ़ेर मदि दोष दूषित ही नाद्री करोत्युषर भूमि भागम मरीचिका वारि महाप्रवाह। भाष्यकार के जो वजन था जिसके आधार पर शंकाएं उत्पन्न हो रहे हैं, यत्र कृते दोषण गुणेन वा अनुमात्र न संबंधित है, उसका आधार है मरीचिका वारी महाप्रवाह। मरीचिका मरु मरीचिका प्रदेश में जो जल का महान प्रवाह भी हो जाए, इन वह महान प्रवाह क्या उस मरुभूमि को गीला कर देगा? आद्री कुरोति वा कदापि ना, इसलिए कहते हैं नाद्री करोति ऊष्र भूमि भागम, नाद्रिक करोति गीला कभी नहीं कर सकता है उस ऊष्र भूमि भाग को, कौन? मरीचिवारी महाप्रवाह, यथा तथा यहां भी समझना है। आरोपितम नाश्रय दूषकम, इसलिए जो आरोपित वस्तु है वो आश्रय का दूषक कदापि नहीं हो सकता। भवेत कदापि मूढ़ेर मति दोष दूषित ही, भले ही मति के दोषों से दूषित मूढ़ों के द्वारा कह दिया जाए, आरोपित वस्तु भी अधिष्ठान को भ्रष्ट कर देता है, लेकिन वास्तव में आरोपित वस्तु कभी भी आश्रय का दूषक नहीं हो सकता। यथा दृष्टांत इसलिए वहां दिया, जैसे कि ऊषर भूमि भाग को महान प्रवाह भी क्यों ना हो मरीचिका वारी का, वह तो भी कभी गीला नहीं कर सकता, लेकिन इस बात को मूढ़ नहीं समझ पाते। स्वमति दोष से दूषित होने के कारण से, अपने ही विभिन्न प्रकार वासनाओं के कारण से, अपने पूर्वाग्रह के कारण से, प्रिजुडिस कहते हैं इसको अंग्रेजी में, पूर्वाग्रह बना हुआ, नहीं हम नहीं मानते, ये कैसे हो सकता है? असंभव, वो आग्रह बना हुआ है ना, इसलिए जो वास्तविक चिंतन भी दे दिया जाए वो बुद्धि स्वीकार ही नहीं करती है, पहले से पूर्वाग्रह है। ये आपने किसी के बारे में निश्चय कर लिया है, अरे ये तो बदमाश है, बस बाद में उसके जितना भी गुण हो, दूसरा जितना भी उसकी अच्छाई बताएंगे, नहीं आप एक है, नहीं नहीं हमने तो देख रखा उसको, वो तो बदमाश है। तो पूर्वाग्रह जो होता है ना, उसको तोड़ना बहुत कठिन काम है। ऐसे एक पति पत्नी के भयंकर झगड़ा होता है, मेरे सामने हर बार आते हैं वो लोग,
जब बात है यही कंप्लेंट होता है, बार बार कहते ये हमको समझते नहीं, हम कितने बार सही बोलते हैं मेरी बात मानते नहीं करके पत्नी बोलती, और ज्यादातर पत्नी उन्हीं बातों को कह देती है जिसमें उनको रोकना होता है, आप ये कदम मत कीजिए वो गलत है। अब उस पति के दिमाग में बैठ गया है, इसके खानदान ही ऐसा है, हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, हर व्यक्ति गलत ही सोचते हैं, इसलिए उसके एक भी बात नहीं मानता है कोई भी बात पे, वो यही सोचता है जरूर नेगेटिव बोल रही है, इसकी खानदान का ही है, वो सामने बोल देता है, पति वो जब सामने बैठ के बात होती है मेरे सामने कहता है इनके खानदान ही ऐसा है बेचारे को ये। अब जबकि उसे कई बात उसने सही कही है, वो ये बात स्वीकार करता है लेकिन कई बार तो जरूर इसने सही कहा था, बाद में हमको समझ में आई, ये बात भी स्वीकार करता है पति, लेकिन अंदर पूर्वाग्रह ना, जब वो बोलेगी उस समय झटित पूर्वाग्रह आ जाता है, नहीं तुम गलत बोलती हो, तुम हर आदमी को गलत ही सोचती हो, तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, ये आ जाता है, भले बाद में बुरा असर हुआ, उसका नाम मानने का नुकसान हुआ, जब नुकसान हो गया तब समझदार नहीं ये ठीक ही कही थी, इन तब सोचने से क्या फायदा, बिगड़ना है तो बिगड़ ही गया, लेकिन पूर्वाग्रह जो होता है ना ये बहुत ही खराब चीज है। इसलिए कहते हैं स्वमति दोष दूषित मूढ़ भवेत कदापि, भले कभी ऐसा कोई कर देवे लेकिन वास्तव में कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए पूर्व पक्षी वही आग्रह से पूछ रहा है ये कभी नहीं हो सकता कि प्रमाता प्रमेय प्रमाण ये सारे मिथ्या हो जाए, ये सब अविद्यावान के लिए, विद्यावान के पास ये होते ही नहीं, विद्यावान का न प्रमातृत्व है न प्रमेय है न प्रमाण व्यवहार है न शास्त्र व्यवहार है, कुछ भी व्यवहार नहीं विद्वान में, ये बात तो हम नहीं मान सकते। इसलिए पूर्व पक्ष कथम पुनः अविद्यादेव विषयाणी प्रत्यक्ष प्रमाण शास्त्र चैति उच्यते, कहते भाई देख लो तुम स्वयं विचार करके तो देखो, विवेक तो करो, देह इंद्रिय आदिशु अहम मम अभिमान रहित से प्रमातृत्व अनुपत्त प्रमाण प्रवृत्ति अनुपत्ते है, कि प्रमाणों की प्रवृत्ति वही होती है जब व्यक्ति अपने अंदर देह इंद्रिय आदियों में अहंता और ममता का अभिमान रखता है। यदि अहंता ममता का अभिमान से रहित जो पुरुष है उसके अंदर हमने कभी प्रवृत्ति नहीं देखी, क्योंकि देह इंद्रिय आदियों में अहम मम अभिमान रहित प्रमातृत्व अनुपपत्त, उसके प्रमातृत्व ही नहीं है, अतएव प्रमाण प्रवृत्ति अनुपपत्त है, प्रमाण की प्रवृत्ति के उपपत्ति ही नहीं हो सकती। सह इंद्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्षाद व्यवहार संभवति, क्योंकि इंद्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्षाद व्यवहार न संभवति, कि इंद्रियों को ग्रहण किए बिना क्या प्रत्यक्ष आदि कोई व्यवहार कर सकता है, कोई स्वप्न भी नहीं कर सकते हो, स्वप्न भी अपनी एक अलग इंद्रिया बना लेते हो तभी तो देखते हो, वह अंधा होकर देख लोगे क्या, स्वप्न में अंधा होकर कोई देख नहीं सकता, वहां भी उसको आंखों से ही देखना पड़ता है, वहां कोई कान से नहीं देखता है, स्वप्न में नाक से सुन लेता है क्या, कभी नहीं होता, स्वप्न में भी वो इंद्रियों को ऐसे ही बनाते हैं जैसे यहां वो देख रहा अनुभव कर रहा है, इसे इंद्रियों को ग्रहण के बिना कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष व्यवहार कर ही नहीं सकता। इंद्रियाणि अनुपादाय व्यतिरेक रूप से बोल रहे जान करके उसकी बात को सिद्ध करने के लिए, अभिमान नहीं है तो प्रमातृत्व नहीं है, जिसने प्रमातृत्व नहीं है अतः इंद्रियों को ग्रहण नहीं किया, जब इंद्रियों को ग्रहण नहीं किया तो प्रत्यक्षादि व्यवहार नहीं हो सकता, और अधिष्ठान मंत्रेण इंद्रियाणां च व्यवहार न संभवती, और कोई अधिष्ठान के बिना इंद्रियों का व्यवहार भी संभव नहीं है, न च अनध्यस्त आत्मभाव देह न कश्चित व्याप्रियते, और जिसके अंदर आत्मभाव का अध्यास नहीं हुआ है, इस शरीर आदियों में आत्मभाव का जिस व्यक्ति ने अध्यास नहीं किया वह देह के द्वारा किसी प्रकार से व्यवहार नहीं कर सकता, न च अनध्यस्त आत्मभावेन देहेन, कैसा देह है जिसमें आत्मभाव का अध्यास नहीं हुआ, ऐसे देह के द्वारा कश्चिदपि न व्याप्यते, कोई भी किसी प्रकार का व्यापार नहीं कर सकता है, न चैतस्मिन सर्वस्मिन न सदी, इसलिए सारे अध्यास ये सब अध्यास अलग अलग प्रकार के, प्रमातृत्व अध्यास हुआ,
उसके बाद पहले अभिमान हुई, वह अहमाध्यास, अहमाध्यास के कारण से प्रमातृत्व अध्यास हुआ, प्रमातृत्व से प्रमाणाध्यास हुआ, प्रमाणाध्यास से प्रत्यक्ष व्यवहार अध्यास हुआ, व्यवहार अध्यास होने से उसका अधिष्ठान को माना आपने, अधिष्ठान रूप देह में आत्माध्यास हुआ। इन इतने प्रकार के अध्यासों के बिना एतस्मिन सर्वस्मिन असति, इन सभी प्रकारों के अध्यासों के बिना असंगस्य आत्म प्रमात्म न उपपद्यते है, असंग आत्मा में प्रमातृत्व ही उपपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा कैसा है, असंग है, और इनके संग को स्वीकार किए बिना इसमें प्रमातृत्व नहीं आ सकता है। इनके संग को स्वीकार करने का मतलब क्या, अध्यास को मानना, क्योंकि अभी बताया कोई वास्तविक संघ ही नहीं है, अणुमात्रणा भी न संबद्धते, और संबंध मानोगे तो आध्यासिक हो सकता है, अर्थात अध्यास को माने बिना प्रमातृत्व ही नहीं आ सकता, और प्रमातृत्व के बिना जो सकल प्रमाण व्यवहार ही नहीं हो सकता। अतः सकल व्यवहार चाहे लौकिक हो चाहे वैदिक हो चाहे शास्त्रीय हो चाहे अशास्त्रीय हो, सकल व्यवहार का आधार हो गया प्रमातृत्व, और प्रमातृत्व का आधार अध्यास, अध्यास का आधार अविद्या, इस अविद्यावान पुरुष के अंदर यह सारी चीज हो सकती है, ज्ञानवान विद्यावान पुरुष के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता है। इसे न च प्रमातृत्व मंत्री न प्रमाण प्रवृत्ति अस्थि, और प्रमातृत्व के बिना प्रमाणों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, प्रमातृत्व मंत्री न प्रमाण व्यवहारों भी नास्ती। तब कहता है भाई ये तो तस्माद अविद्या विषयान ये प्रत्यक्ष प्रमाण शास्त्र, इसलिए अविद्या अवध विषयक ही प्रत्यक्षादि सगल प्रमाण और सगल शास्त्रों का व्यवहार होता है, ये मानना ही चाहिए निष्कर्ष। तो पूर्व पक्ष कहते हैं महाराज ये कैसे मैं मानू, जो अहम ब्रह्मा से बोल रहा है उससे भी तो सब व्यवहार हो रहा है, वही प्रत्यक्षादि व्यवहार करता है, और मूढ़ों में तो होना है तो है ही है, तो मान ही रहा हूं मैं, लेकिन विद्वानों में भी तो है, तो आप कैसे कहते विद्यावत विषयानि न भवंदी, अविद्यावत विषयानि ये वो, ये कहां से आपने रट लिया कि अविद्यावत विषय ही हुआ करता है, विद्यावान का विषय ही नहीं है। तब जवाब देते कि देखो बात सही है तुम्हारा कहना, लेकिन कुछ चीजें हैं वो शरीर का धर्म है, अज्ञानी और ज्ञानी में दोनों में दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में ज्ञानी का अपना कोई शरीर न होने के कारण से ये आभास ही नहीं है, वहां पर अतएव अध्यास नहीं है। पश्चाद भिश्च विशेषात, इस सूत्र प्रक वाक्य जिनकी फिर व्याख्या कर लेंगे स्वयं ही, पश्चाद भिश्च अविशेषात, कहते कि भाई पूर्व पक्षी के पूछा जा रहा है, इसलिए विद्वान का मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं, कौन विद्वान की बात कर रहे हैं, जो ये जान रहा है कि हम ब्रह्मास्मि उसको, या प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म ही मैं हूं ऐसा अनुभव कर लिया उसको मान रहे हो। विद्वान भी दो प्रकार के हैं ना, एक तो शाब्दिक ज्ञान वाला परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी है, और एक अपरोक्ष अनुभूति कर लिया जो अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानी है, किसकी बात कर रहे हो विद्वान शब्द से, यदि परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी की बात करते हो फिर तो पश्चाद विषय विशेषत्व उस पर लागू हो जाएगा, वह व्यक्ति भी परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी का भी सकल व्यवहार राग द्वेष से युक्त ही होता है, अभ्यास करते 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 वह अपरोक्षान जब होगा तब उसके बाद में उसका ब्रह्म ज्ञान बुद्धि हो चुका, ब्रह्म ही हो गया, तो न शरीर है न कुछ है, तो कार्यक्रमानुसार है न शरीर में जो कुछ भी होता है दिखते रहता है, लेकिन उसने भी बता दिया अनेकों बार जो है वहां राग द्वेष व्यवहार उससे हो ही नहीं सकता उस शरीर से, कि अनेक जन्मों से अभ्यास करते 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 ब्रह्मानुभूति हुई है, तो ऐसा व्यक्ति के अंदर राग द्वेष कहां से आ सकता है, अनेक जन्मों की वासना वेदांत की वासना है, राग द्वेष की वासनाएं खत्म हो चुकी है कि नहीं, अनेक जन्मों से अंतकरण शुद्धि का करते हुए आया हुआ है, अनेक जन्मों से वेदांत का श्रवण किया है और अभ्यास करते आया हुआ है, अंत में कश्चित वात्यमान तत्व तक कोटि के अंदर दाग करके अनुभूति कर लिया है वो, ऐसे व्यक्ति के अंदर संसार का जो विषम वासनाएं हैं वह कभी नहीं हो सकती है, वह तो समदर्शी ही होगा, है कि नहीं, वह तो समदर्शित्व की ही वासना उसके अंदर होती है, समदर्शिता के अनुरूप ही प्रारब्ध कर्म शरीर का अंत्य शरीर का
अंत शरीर का प्रारंभ कर्म भी समदर्शन अनुरूप ही वासनाओं से विशिष्ट होगा। आते उसके सकल व्यवहार भी भले स्तुति के लिए कई व्यवसाय उसको मर्डर कर देगा, कुछ भी कर देगा, स्तुति मात्र है वो। कई बार विचार हो चुका है, वास्तव में ऐसा कोई कर्म कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता उसके शरीर से ऐसा कर्म, क्योंकि उसके शरीर के प्रारंभ कर्म ज्ञानानुकूल ही अनुभूति अनुकूल कर्म होगा, और जो अनुभूति अनुकूल कर्म है वो वेदांत की वासना ही है। ये नहीं कि राग द्वेष आदि वासनाएं तो ज्ञानानुभूति की अनुकूल वासना नहीं मानी गई। अतएव जो है निश्चित रूपेण तारस विद्वान के अंतर्गत तो यह बात बनती ही नहीं है कि वह कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है, व्यवहार है, कुछ है, व्यवहार ही नहीं है। इसलिए प्रश्न पर आधारित प्रश्न को इसे विभाजन कर समझने की कोशिश करना है। प्रत्यक्ष अनुभूति कर लिया है जो अप्रोक्ष अनुभूति किया उस विद्वान का प्रश्न है, या अविद्वान जो वास्तव में अविद्वान है किंतु परोक्ष रूप में ज्ञान से विद्वान शब्द से कहा जा रहा है जो उस विद्वान को कह रहे हैं। पहला पक्ष में तो असंभव है, दूसरे पक्ष में स्वीकार है। पश्चाद विशेषार्थ उसका भी सकल व्यवहार अज्ञानी के समान, पश्चवादियों के समान अविशेष है, समान है, सामान्य है। क्या समान है ये, कैसा आप कह रहे हो? क्योंकि प्रत्यक्ष अनुमान आदि जितने भी व्यवहार होता है जैसा पशु कर वैसा हम लोग भी कर रहे हैं, अंतर केवल शास्त्रीय व्यवहार में है। इसलिए मनुष्य वही है जो शास्त्र अनुसार व्यवहार करता है, जो शास्त्र अनुसार व्यवहार नहीं करेगा तो मनुष्य रूप में मृगाश्चर्य थी, कोई अंतर नहीं उसका। इसलिए आहार निद्रा भय मैथुन च समानमेत पशु नराणाम ज्ञानम ये को अधिको विशेषो ज्ञाने नहीना पशु भी समान। इसलिए कहा गया उसी बात को उत्थापन कर रहे हैं। यथाही पश्वादि शब्दादि विश्रोत्रादि नाम संबंधी सति शब्दादि विज्ञाने प्रतिकूल जाते तत्व निवर्तनते अनुकूल च प्रवर्तनते। प्रत्यक्ष प्रमाण व्यवहार के दृष्टांत रे पश्वादि क्या करते हैं, शब्दादियों को श्रोत्रादियों से ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद शब्दादि विज्ञान प्रतिकूल है और शब्दादि विज्ञान अपना प्रतिकूल जब मान लेते हैं तो तत्व निवर्तनते वहां से हट जाते हैं, और शब्दादि विज्ञान अनुकूल मानते हैं तब प्रवर्तनते। अनुमान में भी यथा दंडोद्यत करम पुरुषम अभिमुखम उपलभ्य महामंत्र अयम इच्छति पालयितु पलायितु आरभन्ते। दंड को उठा करके हाथ में लेकर के चलता हुआ पुरुष को अपनी ओर आते हुए देख करके पशुपति क्या करते, ये मेरे को मारने आ रहा है ऐसा अनुमान कर लेते हैं और वहां से भाग खड़े होते हैं। और हरित तृण पूर्ण पाणी उपलभ्य हरे घासों से भरा हुआ हाथ को लेकर के अपनी ओर आता हुआ आदमी को देख करके समझ लेते हैं ये तो भाई मेरे को घास खिलाना चाह रहा है। अरे तम प्रत्यभिमुखी भवंती तो उस आत्मा उस व्यक्ति की ओर आगे बढ़ जाती है। वो अनुमान कर लिया कि नहीं कर लिया? एवं पुरुषापि वित्पन्न चित्ता क्रूर दृष्टिन आक्रोशतः खड्ग उद्यत करान बलवत उपलब्ध तत्व निवर्तन्ते। इसी प्रकार से वित्पन्न चित्त वाले बुद्धिमान वाले लोग क्या करते हैं, कूर दृष्टि से युक्त क्रोध से खड़ग को हाथ उठा करके बलवान पुरुष दौड़ के आपकी ओर आता है तो क्या करते हैं आप, तत्व निवर्तन्ते वहां से भाग जाओगे आप। तद विपरीत दान प्रति हर कोई भंडारा पर्ची लेकर के आ रहा है तो उसके जरूर उसके पास चले जाते, हाँ भाई लाओ इधर मेरे को एक दे दो, है ना। तद विपरीतान प्रति प्रवर्तन देव अतः समान पश्वादि भी पुरुषाणाम प्रमाण प्रवे व्यवहार। इसलिए पश्वादियों के साथ पुरुषों का, इसलिए विद्वान अविद्वान सबको ले लिया इसमें, अप्रोक्ष अनुभूति से विजित ब्रह्मज्ञानी को छोड़कर बाकी सबको पुरुष अवसर। पुरुषाणाम सर्वेशां विद्वद विद्वान विद्युषां वा पश्वादिभिः प्रमाण प्रव्यवहारः समानः। पश्वादिनांच प्रसिद्धो अविवेक पुरस्सर प्रत्यक्षादिवार, क्यों ये घटाया वो ला रहे, पश्वादियों में जो व्यवहार हो रहा है प्रत्यक्ष कैसे हो रहा है, प्रसिद्ध है वो अविवेक पूर्वक ही होता है। इसलिए तत्सामान्यात् तत्सामान्य दर्शनात् व्युत्पत्ति मतम पुरुषाणाम प्रत्यक्षादिवार तत्काल समान ये वही निश्चित है। इसलिए हम ये निश्चय पर आते हैं इस सादृश्यता को देखता हुआ वित्पत्तिमान पुरुष लोग भी क्यों ना हो उनमें भी जो प्रत्यक्ष व्यवहार है तो उस काल में हमें मानना पड़ेगा उसके अंदर अविवेक है, अज्ञान है, उस अविवेक अज्ञान पूर्वक की उसका व्यवहार हो रहा है पशुवादी के समान, यह मानना ही पड़ते निश्चय होता है। तो यह लोक प्रसिद्ध व्यवहार भले ही अध्यास मूलक हो, पूर्व पक्षी कहेगा ठीक है
लोक प्रसिद्ध सकल व्यवहार खाना पीना घूमना फिरना उठना बैठना जितना भी है वो सारा व्यवहार जो है ना अज्ञान पूर्वक अविवेक पूर्वक होते मान लूंगा, लेकिन शास्त्रीय व्यवहार में तो नहीं मानता अविवेक पूर्वक होता है, वो तो विवेक पूर्वक ही है। पूर्व पक्षी का अपना आशय कि जरूर वो तो विवेक पूर्वक होता होगा, क्योंकि भाई उसको दिखता तो है नहीं, न भगवान दिख रहा है न तो स्वर्ग दिखता है न कोई आकर उसको बताया है वहां के बारे में, फिर भी कर रहे लग रहा है, इसका मतलब कुछ ये अपना विवेक से कर रहा है या अज्ञान नहीं है। अज्ञान पूर्वक तो कोई नहीं करेगा कर्मकांड आदि, तब सिद्धांत कहते नहीं शास्त्रीय तू व्यवहार है तुमने किन, यद्यपि आपका कहना ठीक है, यद्यपि आपका कहना ठीक है विवेक पूर्वक कर रहा है बुद्धिपूर्वक कर रहा है, हम मना नहीं करते उस बात को, लेकिन बुद्धिपूर्वक भी वो अज्ञान से ही कर रहा है। इसे कहते किंतु यद्यपि शास्त्रीय व्यवहार बुद्धिपूर्वकारी किंतु मैंने तथापि न अवित्वात्मन परलोक संबंध में मधि क्रियत है, लेकिन वह भी इस बात को मान रहा है मेरी आत्मा परलोक में जाकर के मौज करेगा, ऐसा जो नहीं मानता वो कभी कर्मकांड नहीं कर सकता। जो ये नहीं मानता है कि मैं मरने के बाद परलोक जाऊंगा वहां स्वर्ग में खूब आनंद लूंगा मेरी आत्मा का संबंध परलोक से होगा, ऐसा जो नहीं मानेगा क्या वो कर्म करेगा कभी, माने इस आत्मा का उस अनात्म स्वर्ग के साथ संबंध मानता है कि नहीं मानता है, माना तो आत्मा अनात्म का संबंध मान लिया तो अविवेक हुआ कि नहीं, अज्ञान हुआ कि नहीं, अध्यास है वहां। इसी कहते अविदित्व आत्मन परलोक संबंधम, परलोक के साथ आत्मा के संबंध को अविदित्व जाने बिना नादि क्रियते, यद्यपि इसलिए कर्मकांड में तो वह जरूरी है, तथापि न वेदांत वेद्यम, लेकिन वेदांत रूप शास्त्र व्यवहार के लिए तो ये भी जरूरत है कि वेदांत में आत्मा का, क्योंकि वेदांत वेद्यम न तथापि न वेदांत वेद्यम, क्योंकि वेदांत वेद्य आत्मा कैसी है, आसनयाद्यतीतम अपेद ब्रह्म क्षत्रादि भेदम असंसारी आत्म तत्व अधिकारे न अपेक्षत है, न क्या चढ़ दें वेदांत वेद्य आत्मा का ज्ञान की अपेक्षा नहीं है कर्मकांड करने के लिए, वो जिस आत्मा का अपेक्षा कर रहा है वो अज्ञान विशिष्ट आत्मा का ही अपेक्षा, वो जो आत्मा का परलोक से संबंध मान रहा है कैसी आत्मा का, वेदांत विद्या आत्मा का संबंध स्वर्ग से नहीं मान रहा है, वो तो अपना अज्ञान विशिष्ट आत्मा को लेकर के ही परलोक से संबंध को मानता है कि वेदांत विद्या आत्मा कैसी है, अशनायाद्यतीत ब्राह्मण क्षत्र तत्व भेद से रहित है असंसारी आत्म तत्व है, तारस आत्म तत्व को कर्मकांड अधिकारे न अपेक्षित है, कर्माधिकार में एतारश आत्मा की अपेक्षा ही नहीं, कर्माधिकार के लिए अपेक्षित आत्मा कैसी है, कर्तृत्व भोक्तृत्व से विशिष्ट आत्मा है, जिस आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व का आप नहीं मानोगे वह आत्मा कर्माधिकार के कर्म के योग्य ही नहीं, और कर्म में उसका कोई अधिकार नहीं रह जाएगा जो आत्मा अपने में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं मानता, जो कर्तृत्व भोक्तृत्व मानेगा वही व्यक्ति कर्माधिकारी होगा, मैं अमुक कर्म को करूंगा तो स्वर्ग को भोगूंगा, ऐसा जो नहीं मानता है वह कर्म कभी अधिकृत हो नहीं सकता, इसलिए कहते हैं कि भाई यह बात तो असंभव है, क्यों क्यों ये क्यों वेदांत आत्मा जो जानने वाला वेदांत की आत्मा को जानने वाला क्यों नहीं हो सकता, वेदांत वेद्य आत्मा जो है कर्माधिकार में क्यों उसका जो उपयोगिता नहीं है, कहते अनुपयोगात अधिकार विरोधाक्षर, दो हेतु देते हैं, एक तो अनुपयोगात, एक तो अनुपयोगात और दूसरा अधिकार विरोधाक्ष, अधिकार का विरोध भी, दो हेतु यहां, देहा से भिन्न आत्मा का ज्ञान अपेक्षित है, अतः शास्त्रीय कर्म आदि कोई भी व्यवहार है वह तो अज्ञान पूर्वक नहीं है, ज्ञान पूर्वक जो मानता है वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्रीय व्यवहार यद्यपि देश भिन्न आत्मा मानना जरूरी है ठीक है, लेकिन वो किस प्रकार का आत्मा मानता है उस पर निर्भर है,
देह से भिन्न आत्मा है, इसे देह का मरने के बाद यह आत्मा स्वर्ग जाएगा, ऐसे मानने वाले का आत्मा किस रूप का आत्मा मान रहा है? वो सोपाधिक मान रहा है ना, क्योंकि सोपाधिक आत्मा में ही गमन और आगमन का व्यवहार है। गमन और आगमन का जो व्यवहार होता है वो सोपाधिक आत्मा में है, निरुपाधिक आत्मा में नहीं हो सकता है, क्योंकि सोपाधिक आत्मा और बुद्धियादि उपाधि वाला विशिष्ट होकर के ही आत्मा गमन आगमन है। नहीं तो आत्मा स्वस्वरूप कैसा है? सर्वत्र व्यापक है, उसमें गति तो असंभव है। इसलिए वेदांत वेद्य आत्मा जो कि गत्यादि से हीन है, गत्यादि से रहित है, वो आत्मा कर्म में कैसे उपयोगी होगा? कर्म में उपयोगी हो नहीं सकता, कि कर्म में उपयोगी वह आत्मा है जो गति से विशिष्ट हो। गति से विशिष्ट आत्मा वही होगा जो सोपाधिक होगा, सोपाधिक आत्मा वही है जो अविद्यावान है, विद्यावान नहीं। अतएव अनुपयोगात्, दूसरा अधिकार विरोधांच। वेदांत वेद्य आत्मा के लिए तो ऐषणा का त्याग की अपेक्षा है और कर्म के लिए ऐषणा की अपेक्षा ही है। कर्म तो सकाम है, स्वर्गादि कामनाओं को लेकर के है, ऐषणा से विशिष्ट के लिए ही है कर्म, ऐषणा का रहित के लिए नहीं। और वेदांत वेद्यात्म चिंतन वेषणा रहित के लिए है, इसलिए अधिकार विरोध अच्छा, परस्पर अधिकार का विरोध होने के कारण से भी इन दोनों को आप एक नहीं कर सकते। इनकी व्याख्या करेंगे अनुपयोगात और अधिकार विरोधाच्य का स्वयं समझाएंगे इसका तात्पर्य क्या है। क्योंकि प्राच्य तथा भूत आत्मविज्ञानात् प्रवर्तमानम शास्त्र अविद्या विषयत्व नाति वर्तते। तथा भूत आत्मविज्ञान वेदांत वेद्य आत्मविज्ञान, वेदांत वेद्य आत्मविज्ञान कैसा है? आशनियादित है, ब्राह्मण क्षेत्र इत्यादि से रहित है, ऐषणा से रहित है ये नहीं, शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाला है। ऐसा जो आत्मा का विज्ञान से पहले विज्ञानात प्राक प्रवर्तमानम शास्त्र, शास्त्र की प्रवृत्ति भी पहले ही है। कौन शिष्य शास्त्र के अधिकारी वो भी उसमें भी चलता है ना, हम अमुक शास्त्र को मानेंगे अमुक शास्त्र को नहीं मानेंगे, लड़ाई चल रही है। अर्थात क्या है? शास्त्र भी अज्ञानियों का विषय से तो लड़ाई है, विज्ञानियों का विषय होता है शास्त्रवान लड़ाई नहीं होता। हम इसको नहीं मानेंगे हम उसको मानेंगे, ये क्यों चल रहा है? अज्ञान के कारण से चलता है। और वास्तविक तत्व को ग्रहण करने से तैयार नहीं हो पाते, उनके अज्ञान उनको रोक रहा है। इसलिए कहते हैं तथोक्त यथा तथाभूत जो आत्मा है उसके विज्ञान से पूर्व काल में ही शास्त्र अविद्यावान का विषय होकर के प्रवृत्त होता है, प्रवर्तमानम न अतिवर्तते, अविद्यावान का ही विषयत्व ना वो प्रवृत्त होता है, उसका अतिक्रमण कभी नहीं करता, अर्थात अविद्यावान का ही विषय होकर के रह जाता है, नातिवर्तते। हाँ, प्रवर्तमानम सन नातिवर्तते, अविद्यावान का विषय बन के रह जाते हैं। कहते ये कैसा आपने कह दिया? तत्ता देख लो ब्राह्मण ये तो कहा है ना, अर्थात क्या जिसके अंदर ब्राह्मणत्व का अभिमान नहीं है वो यजन कर सकता है। ब्राह्मणों बृहस्पति सवे ने जेत, राजा राज सूर्य ने जेत, निषाद स्थपति रौद्रम चरुण निरभेत, जितने भी है अधिकारी को बता रहा है वो क्या बोल रहा है? आपके अंदर ब्राह्मण होना चाहिए, क्षत्रिय होना चाहिए, शूद्र होना चाहिए, वैश्य होना चाहिए, निषाद स्थपति होना चाहिए, तब करोगे। नवै स्नाता भिक्षेत, स्नान किए बिना भिक्षा नहीं करना चाहिए, ऐसे कह दिया। अब बताओ अब स्नान करेगा वो स्नान कौन करेगा? आत्मा करेगा स्नान, ये तो मानना पड़ेगा। शरीर शरीर को कराएगा कोई? कौन कराएगा शरीर को? जो शरीर को मानेगा, नहीं तो किसी की शरीर को नहला दो नहाना हो गया क्या? ऐसा तो नहीं होगा। मेरा शरीर मानोगे तभी तो अपना शरीर को इसको नहलाओगे उसके बाद भिक्षा करोगे। इसलिए अहंता ममता का अभिमान के बिना स्नाता भिक्षेत कैसे कटेगा? अति शर्राभिमानवान को मानना ही पड़ेगा, उसी का विषय है सब व्यवहार, शास्त्रीय व्यवहार। अष्ट वर्ष ब्राह्मण उपनयीत, जात पुत्र कृष्ण केशव अग्नि आदधीत इत्यादि है। जात पुत्र अवस्था है ना, ये सब
भाष्यार्क इत्यादि शास्त्राणि आत्मनि वर्ण आसन वयो अवस्थादि विशेष अध्यासम आश्रित्य प्रवर्तन्ते।